वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोग का स्वागत है। देखिए, जीएस सीरीज़ का ये पांचवा सीरीज़ है। इससे पहले हमने चार सीरीज़ अपलोड कर दी है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जीएस प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट को क्लिक करके आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको उसी प्लेलिस्ट के अंदर जीएस सीरीज़ का सभी वीडियो मिलेगा। ठीक है, खास करके रेलवे और जितनी प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनमें जनरल साइंस पूछे जाते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? ठीक है, तो ओजोन स्तर जो है वो हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? प्रावैग्नी किरण से। ठीक है, गर्म किए जाने पर नीले कांच को किस रंग की चमक होगी? अगर कांच को नीले कांच को गर्म कर दिया जाएगा तो वो किस तरह का चमकेगा? लाल रंग का। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो यह एक मिश्र धातु है। शक्ति का जो है यूनिट क्या होता है, वाट होता है। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर संभव होता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, -4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जल का अधिकतम जो घनत्व है, डेंसिटी, वो किस टेम्परेचर पर होता है, किस तापमान पर? तो -4 डिग्री सेल्सियस पर। इसके बाद देखिए, सिगरेट के एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे होती है, यह कथन किस रोग के बारे में कहता है? कैंसर के बारे में कहता है। कौन सा बल पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में काम करता है? भार। ठीक है, मंड और शर्करा, चीनी जिसको बोलते हैं शर्करा, मंड और शर्करा दोनों मिलाकर क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आगे देखिए, धान्य में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी होती है? जो धान्य फसल होती है उनमें सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी होती है? वो होती है बाजरा। और वनस्पति तेलों को किस सूक्ष्म विभाजित वस्तु के मौजूदगी में हाइड्रोजनीकरण किया जाता है? निकेल की मौजूदगी में। और कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है? विटामिन ए। आप सभी को पता है विटामिन ए जो है वो आँखों के लिए अच्छा होता है। इंसुलिन कौन बनाता है? इंसुलिन जो बनाता है वो लैंगरहैंस द्वीप बनाता है। ठीक है, प्रकाश तंतु की कार्यविधि किस पर निर्भर करती है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। आगे देखिए, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। उसके बाद है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोज ग्लिसरीन। ठीक है, नाइट्रोज ग्लिसरीन किस में पाया जाता है? डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। और किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकेंड जो है आवेश की मात्रा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, उसके बाद फाइकोलॉजी का में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी तो इसमें किया जाता है शैवाल का अध्ययन। ठीक है, स्टडी ऑफ शैवाल। इसके बाद देखिए, दोलन करते हुए लोलक का जो गोलक है कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाता है, यह किस कारण से होता है? आपने देखा होगा घड़ी में होता है लोलक, तो जब वो दोलन करता है तो उसके कुछ समय के बाद विराम अवस्था में आ जाता है। ठीक है, जो उसका गोलक है तो वायु के घर्षण के कारण होता है। विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक क्या है? ल्यूमेन पर वाट। ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन है, शरीर में एनीमिया रोग जो है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? तो शरीर में जो एनीमिया होता है वो होता है किसके कारण? आयरन की कमी के कारण। ठीक है, आयरन की कमी के कारण एनीमिया होता है मुख्य रूप से। वैसे कहीं कहीं पर आप ऑप्शन देखते हैं खून की कमी के कारण भी होता है, मेनली जो है वो आयरन होता है। ठीक है, आयरन की कमी के कारण होता है। इसके बाद देखिए, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्ध्य तरंग की गति में। उसके बाद एक जलती हुई मोमबत्ती, ठीक है, एक टम्बलर से ढक दिए जाने पर किस कारण बुझ जाती है? तो उसमें जो हवा की है वो पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती है। ठीक है, हवा की जो पर्याप्त पूर्ति है वो नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो बुझ जाती है। कमरा गर्म करने वाले बिजली के हीटर का रेडिएटर सबसे अधिक प्रभावी कब होता है? जब वो बहुत अधिक पॉलिश किया हुआ हो। ठीक है, और ये आखिरी सवाल है, भारी पानी यानी हेवी वाटर किस शब्द का सूचकांक है? ड्यूटीरियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, D2O, जिसको भारी जल भी बोलते हैं। ठीक है,
तो ये था आज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने इसमें वीडियो में बताया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।